वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं, जो मेरे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, मेरे कॉमेडी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो है और ये खासकर जब डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो ना देखें, और आप देखते भी हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हों तो आपको पता ही होगा मैं ब्लॉगिंग और कॉमेडी टाइप का वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक अपने ही कॉलेज का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती का मैंने टूर का वीडियो डाला था, तो उस पर देखा मैंने बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो लाभदायक हुआ। वो यहाँ एडमिशन लेने से पहले उस वीडियो को देखे और हमसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लगभग 55% सब्सक्राइबर डिप्लोमा से हैं और वो इसी की तलाश में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिप्लोमा के कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों के बारे में उसका टूर वीडियो अपलोड करूँ, जितना ज़्यादा हो सके मैं वहाँ जा के अपलोड करूँ, बना के अपलोड करूँ, नहीं तो वहाँ मतलब किसी तरह व्यवस्था करके मैं वीडियो अपलोड करूँ, जिससे एडमिशन लेने वाले काफ़ी बच्चों को सुविधा होगा और उन्हें मतलब एडमिशन लेने से पहले पता चल जाएगा कि मेरा कॉलेज कैसा है, कैसा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको हम बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर के कॉलेज के बारे में, जहां मैंने खुद जाकर कॉलेज कैंपस का पूरा वीडियो बनाया है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेशन से कितनी दूरी पे है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए एमपी पॉलिटेक्निक का कैंपस टूर कराते हैं आप सबको। तो फ्रेंड्स, अगर आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे अगर आप उतरते हैं, मतलब कहीं से आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो यहाँ से आपको सीधे जाना है, बोलना है कि मुझे गोरखनाथ मंदिर के पास जो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक है वहाँ जाना है। और अगर आप रोडवेज से निकलते हैं तो वहाँ से भी आप अगर यही बोलते हैं कि गोरखनाथ वाले रोड पे जाना है तो आपको वहाँ पहुँचा देंगे, सब 20-25 रुपये लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा कॉलेज का मेन गेट जाने वाला रास्ता, और यहाँ से आपको एकदम क्लियरली देख रहा होगा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, और इसके अंदर हम लोग चलते हैं और आपको पूरा कॉलेज टूर कराते हैं। एक कुछ सिनेमेटिक शॉट है कॉलेज का, व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स, जो मतलब एजुकेशनल रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के लास्ट में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में एकदम बने रहिएगा लास्ट तक, उसमें बताऊँगा कि कितने मतलब ब्रांचेज हैं, मतलब कितने क्या चीज़ हैं, सब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये आप कॉलेज का देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से दिख रहा है। और चलिए हम लोग इधर से मतलब जिधर से हम लोग जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कैमरा जिधर से रोटेट हो रहा है, ये मतलब सामने का व्यू है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, रास्ता है, और जो लोग आदमी वहाँ खड़े हैं उधर से भी जा सकते हैं। और इस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से आप जाएँगे तो आप डायरेक्ट जो प्लेग्राउंड है यहाँ देख सकते हैं, आपको प्लेग्राउंड दिख रहा होगा, वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें मतलब हेलीकॉप्टर भी लैंड होता है, योगी जी का हेलीकॉप्टर भी लैंड होता है। और ये रहा कॉलेज का जो एंट्री है मेन गेट, उसका सीन है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या 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 चीज़ें हैं और आपको एंट्री करने पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाते ही सबसे पहले गोरखपुर जो गोरखनाथ मंदिर है उसका व्यू दिखेगा, और बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत है। और इसके सामने ही जस्ट आपको मिल जाएगा इस कॉलेज का पूरा एक तरह का मैप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है अपना जमा किया, आप देख रहे होंगे लिखा भी है उस पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप मतलब वहीं से आप तुरंत ऊपर भी जा सकते हैं लेक्चर हॉल के लिए, और यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पर मतलब बास्केटबॉल ग्राउंड है और टेबल टेनिस ग्राउंड है, और यहाँ पर कुछ ऑफिस है मतलब कार्यालय टाइप का, और देख सकते हैं छत पर से कॉलेज का व्यू है, टेबल टेनिस देख सकते हैं मतलब बैडमिंटन ग्राउंड, और इधर आप देखे होंगे पूरा वर्कशॉप है। और यहाँ पर जब हम गए थे वीडियो बनाने तब यहाँ जॉब उत्सव लगा था, तो आप समझ ही रहे होंगे यहाँ प्लेसमेंट होता ही है, सीधी सी बात है, हम खुद गए थे प्लेसमेंट लेने, देख रहे होंगे कितना ज़्यादा भीड़ है,
बच्चों का, तो यहाँ 5 कंपनी आई थी और काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं और ये पूल कैंपस भी कराती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर निसंकोच एडमिशन ले सकते हैं और मतलब कंपनियाँ आती हैं, इतना तो हम बोल सकते हैं। प्लेसमेंट होता है, अच्छे खासा प्लेसमेंट होता है। अब मान लीजिए पढ़ेंगे नहीं तो अलग बात है, नहीं होगा तो। और देख सकते हैं ये रहा आपका बास्केटबॉल ग्राउंड और इसके जो बगल में रेड रेड आपको दिख रहा है, ये सब है आपका वर्कशॉप, पूरा वर्कशॉप एक ही पास है। और एक कॉलेज का कुछ व्यू आप देखने को मिल रहा होगा आपको, उधर आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये वर्कशॉप है। फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि मैंने आपको फुल कॉलेज कैंपस का टूर कराया। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको सच में मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज के बारे में, तो आ गए हैं हम MP पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको सिंपल mppolytechnic.ac.in लिखना है, आप वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखनाथ गोरखपुर सब लिखा हुआ, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेबसाइट बनाया गया है यहाँ पर। और देख रहे होंगे AICTE न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है और यहाँ का कॉलेज कोड है 4416। और ये आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस क्या क्या चीज़ें मतलब कौन कौन सा ब्रांच है, आप देख सकते हैं यहाँ कुल लगभग 5-6 ब्रांच हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन है, मैकेनिकल कैड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, मतलब इतनी सारी ब्रांचेज में आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। जीकप के द्वारा यहाँ पर काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को डालेंगे तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। देख सकते हैं कॉलेज की कुछ गैलरी फोटोज हैं, और इन्हें छोड़िए आप, इन्हें तो आप कॉलेज जाएंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर हॉल वॉल टाइप का है जिसको मैंने दिखाया ही होगा ब्लॉग में। और देख सकते हैं यहाँ पर कई कई मतलब योगी आदित्यनाथ जी भी, जैसे पहले यहाँ के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो श्री योगी आदित्यनाथ जी ही हुआ करते थे 2016 से वो नहीं है, अब दूसरा कोई है, लेकिन पहले वही थे। और आप देख सकते हैं यहाँ का ऑफिशियल नंबर उमर है MP Poly गोरखपुर, इसका ईमेल ID। और आप देख सकते हैं यहाँ से लोकेशन भी देख कर यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो यही जानकारी आपको देना था फ्रेंड। तो आप देखें होंगे कि, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ फी स्ट्रक्चर कितना लगता है, मतलब एडेड कॉलेज है तो गवर्नमेंटेड कॉलेज से कुछ ज़्यादा ही फीस लगता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना फीस लगता है। तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर पर आप जाएंगे और देख सकते हैं, ये है सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, और मैकेनिकल कैड मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ट्यूशन फीस टोटल में हम टोटल बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में आपको देना है 19,936, मतलब लगभग 20,000, और 20,000 लगभग पूरे ईयर में है। लेटरल इंट्री वालों का भी सेम ही है, तो आप देख रहे होंगे। फिर देखिए कंप्यूटर साइंस वाले में कुछ ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक और देख सकते हैं इसमें 26,000 लगेगा तीनों साल लगभग, तो कंप्यूटर साइंस का कुछ महंगा है। और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन सेल्फ फाइनेंस एडेड कॉलेज जो है उसमें आपको फीस कम लगेगा, लेकिन जो है सेल्फ ए जो है आपका अगर इसमें एडमिशन होता है सेकेंड शिफ्ट में फाइनेंस स्कीम में, तो इसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइवेट लाइक बिहेव करेगा। और ए जो है फर्स्ट में आपने देखा यहाँ पर जिसमें 20,000 लग रहा था, ये आपको एडेड मतलब एडेड कॉलेज जो होता है अर्ध सरकारी होता है, उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, मतलब गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। तो आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग फीस है, और यहाँ पर इसमें देखिए जो प्राइवेट टाइप का है उसमें 26,000 तीनों साल है, और जो एडेड है उसमें 20,000 है। तो आप अपने हिसाब से जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं भी आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आप मतलब वहाँ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं मतलब जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बहुत मतलब अच्छा मिलेगा, उनको सब कुछ पता चल जाएगा क्या है कैसे है, कैसे जाना है, कैसे आना है, मतलब कहाँ रहना है। आप देख सकते हैं वेबसाइट, कॉलेज भी देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एकदम इसका जो साइट है वो एकदम रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, मतलब अपडेट किया जाता है, नहीं तो कुछ चीज़। और यहाँ पर देखते हैं स्टडी मटेरियल में भी आपको काफ़ी चीज़ें, मैंने खोल के देखा था तो काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ अपलोडेड भी हैं, सर लोग मतलब जो पढ़ाते वढ़ाते हैं उसको अपलोड भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।
तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं अपने छोटे भाइयों से जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं मैकेनिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, 2023 में पास आउट हो जाऊँगा। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।